नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारत की जानी मानी हस्ती सुधीर राज जी। सुधीर राज जी, आपका एसएम न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सुधीर राज के किसी नाम के मोहताज नहीं है, यथा नाम तथा गुण जैसा हाल है उनका। और पूरे दुनिया के अंदर आज धर्म को बहुत अच्छे से लेके जा रहे हैं सुधीर राज जी। सुधीर राज जी, बौद्ध धर्म है क्या, उसके बारे में बताएं। देखिए, जैसा कि आपने शब्द का इस्तेमाल किया बौद्ध धर्म, मैं ये जानकारी यहाँ देना चाहूँगा कि पूरे धम्म साहित्य में, पूरे बुद्ध की वाणी में, बुद्ध के वचनों में कहीं भी बौद्ध शब्द नहीं है और धर्म भी नहीं है, धम्म है। बाद में कुछ लोगों ने, अज्ञात हैं वो लोग, जिन्होंने इसको धर्म की श्रेणी में लेके आए और इसको एक नामकरण दिया बौद्ध, क्योंकि भगवान अपने जितने भी लोग जो सिखाते थे धम्म, जिनको धम्मिक बोला करते थे, बौद्ध शायद इसलिए कहना शुरू किया या उन लोगों ने नाम दिया क्योंकि ये बुद्ध से संबंधित है, इसलिए बौद्ध हो गया। ये है क्या, दो तरह की पद्धति चलती हैं, फिलॉसफी चलती है पूरी दुनिया के अंदर। एक फिलॉसफी चलती है जिसके अंदर ईश्वर होता है और गॉड होता है और उससे संबंधित बातें और उसकी फिलॉसफी होती है, उसके क्रियाक्रम होते हैं, उसके क्रियाकांड होते हैं। और एक फिलॉसफी होती है जिसके अंदर ईश्वर या गॉड नहीं होता, उसका जिक्र भी नहीं होता, सिर्फ जो कर्म है, आप जैसा काम करेंगे वैसा आपको उसका लाभ होगा या हानि होगी। इसको हेतुवाद बोलते हैं, कारणवाद बोलते हैं, यानी कि जैसा कारण है वैसा उसका रिजल्ट है और रिजल्ट ही बाद में कारण बनता है। तो बौद्ध पद्धति या बुद्ध की पद्धति या बुद्ध की फिलॉसफी या जो धम्मिक लोग हैं वो सारी दुनिया में दूसरे कारण के लिए चले जाते हैं जहाँ ईश्वर और गॉड नहीं है, और चाहे वो बुद्ध के नाम से परिचित हों या ना हों, उसकी फिलॉसफी से परिचित हों या ना हों, मगर वो सारे सारे लोग उसी फिलॉसफी में आते हैं, इसलिए इसको धम्म बोलते हैं, धर्म नहीं बोलते। आप थे हमारे साथ सुधीर राज जी, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को जगह जगह तक पहुंचाने को ही अपना धर्म समझा और हमें बताया कि धर्म क्या होता है। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं सुधीर राज जी से तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं और आपकी बात को हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाई जाए। एसएम न्यूज़ से सुरेंद्र सिंह गौतम, प्रवीण के साथ।